नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। इसी संदर्भ में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी योजना, ऐसी नौकरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, सभी पंचायतों में नवीन राशन दुकान के लिए नवीन डीलर की यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है, तो कुछ और नवीन पंचायतों में इसकी राशन डीलर की भर्ती होने वाली है। तो कौन कौन सी पंचायत में राशन डीलर की भर्ती होने वाली है आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताएंगे, और किस आदेश के साथ आपको बताएंगे किस किस पंचायत में राशन डीलर के पद खाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना एमपी राशन मित्र। आप जैसे ही सर्च करेंगे यहां पर आपको पहली वेबसाइट जो आपको देखने को मिल जाएगी, मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी पोर्टल एम राशन मित्रा। इस पर आपको क्या करना होगा, क्लिक। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ देर आपको वेट करना है और आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से आपके सामने कुछ इंटरफेस शो होने लगेगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा, नवीन उचित मूल्य दुकान की स्थापना एवं आवंटन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और नवीन विज्ञप्ति यहां से आप देख सकते हैं। यहां पर जिला होशंगाबाद में आपको एक भर्ती देखने को मिलेगी, जिला पंचायत वनखेड़ी विज्ञप्ति। इसमें जो भी पंचायत खाली रहेगी यहां पर आपको बताया गया, इसके नोटिफिकेशन के साथ आपको बताया जाएगा। इसे आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। यहां पर 6/5 मतलब कल के दिन ही यहां पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नीचे भी है धार में 4 तारीख को, मतलब 2 दिन पहले, ये सभी नवीन विज्ञप्ति हैं। अभी अगर आपको सभी विज्ञप्ति देखना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, सभी विज्ञप्ति देखें, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मैं बताऊंगा सभी, यहाँ पर पहले आपको बता देते हैं होशंगाबाद की। होशंगाबाद वाले पर हमने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। जनपद पंचायत का नाम देखने को मिल रहा होगा, विज्ञप्ति क्रमांक देखने को मिल रहा होगा, जारी दिनांक, आवेदन प्रारंभ होने की दिनांक, अंतिम तारीख, और यहाँ पर आपको एक व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, इससे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पर जैसे क्लिक किया हमारे सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड होने के साथ ओपन भी हो गया है, तो हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को भी क्लियर दिखे, ठीक है। वैसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, कार्यालय अनुभाग अधिकारी राजस्व विभाग नर्मदापुरम में, ठीक है, नर्मदापुरम में कलेक्टर कार्यालय जिला नर्मदापुरम, पत्र क्रमांक आपको देखने को मिल रहा होगा। राशन मित्र से आप ऑनलाइन आवेदन यहां पर कर सकते हैं। तहसील कौन कौन सी तहसील, ग्राम पंचायत का नाम यहां पर देख सकते हैं, गोंदलवाड़ा, कामती, वारसी, वेदर, ये 4 पंचायत में खाली है, ठीक है। निःशुल्क यहाँ पर, निःशुल्क सभी दूर यहाँ पर इसका विज्ञापन दे दिया गया है, ठीक है। हम बैक कर देते हैं और यहाँ पर आपको एक बार और आपको सभी विज्ञप्ति एक साथ दिखाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर हम सभी विज्ञप्ति पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक और नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जिला सिलेक्ट करना है और जनपद पंचायत सिलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जिला सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जनपद पंचायत में अगर वो पंचायत खाली नहीं रहेगी तो आपको यहाँ पर शो नहीं करेगी। डायरेक्ट जिला हम सिलेक्ट कर लेते, जैसे हम कर लेते हैं धार, ठीक है, दमोह कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, दमोह में देख लेते हैं हम। अगर खाली होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर दमोह में खाली नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते धार में, धार में खाली होगा तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर धार में हमारा खाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनपद पंचायत धार में कितनी जनपद पंचायत, टोटल 8 पंचायत में यहाँ पर ये खाली है। इसकी पीडीएफ आपको इसका नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, और यहाँ पर टोटल 8 पंचायत यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इन पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो आप इसमें बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। हम थोड़ा बैक चल जाते हैं,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन करें, तो यहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करना नहीं आता तो हमने इसके लिए वीडियो पहले से प्रोवाइड करके रखा है, यहाँ पर इसका आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दी जाएगी कि आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नए अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़िए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करो। तो धन्यवाद।